मंडेश्वर एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स कैनो सलालम की थाईलैंड में हुई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो पदक जीतने वाली मोगावा की बेटी रीना सेन का मंडलेश्वर नगर में भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। नगर के नवलपुरा से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रीना सेन को खुली जीप में रैली के माध्यम से नगर के प्रमुख मार्गों पीडब्ल्यूडी, पोस्ट ऑफिस, सब्जी मार्केट होकर बस स्टैंड स्थित पुलिस चौक के पास मंच बनाकर स्वागत किया। इसके बाद रैली बाबा साहब प्रतिमा स्थल पर पहुंची, जहां रीना सेन, उनके पिता राजेंद्र सेन और रीना के गुरु हरीश खांडेकर ने बाबा साहब का माल्यार्पण कर पूजन किया। इस अवसर पर रीना सेन ने कहा कि एशिया की इस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का सपना सच हुआ, इसके लिए मैं अपने गुरु श्री हरीश खांडेकर का आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी प्रेरणा व सहयोग मेरी सफलता का राज है। अब मैं विश्व स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु तैयारी करूंगी। अगली बार गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करूंगी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। मेडल जीते हैं तो इनके बारे में बताइए। मेरे सबसे पहले मैं अगर सर नहीं होते तो शायद मैं वहां तक पहुंचती नहीं पहुंचती तो मेडल भी नहीं आता। तो मैंने मेडल एक जीता है अंडर 23 सीनियर वर्ग में। अच्छा। और एक जीता है सीनियर वर्ग टीम में। टीम में तो ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? ये थाईलैंड पटाया में हुई थी। तो वहाँ पर अपने जो नर्मदा जैसा ट्रैक था या कोई नहीं होता? आर्टिफिशियल ट्रैक था। आर्टिफिशियल ट्रैक था। अच्छा। और ट्रैक बनाया गया था, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, तो यहाँ से ज़्यादा एडवेंचर वहाँ देखने को मिला। तो आपको नर्मदा का जो अपना सहस्त्र धारा का ट्रैक है, इस पर जो सीखा आपने वो कितना काम आया? वो देखो, सीखने की तो हर जगह के अलग अलग पानी होता है, इसलिए हम तीन दिन पहले पहुँचे, पानी को समझा, तब जाके हमने वहाँ पे अप्लाई किया। अच्छा, हमें टाइम तो बहुत कम मिला था, बताओ। बहुत अच्छा लगा। तो ये प्रतियोगिता की आयोजक कौन था इसका? ये एशियाई लेवल पर होती, ICF होता है, इंडियन कैनो फेडरेशन। अच्छा, तो इसमें सारे एशिया की कंट्रीज थी। अच्छा, इसमें फर्स्ट आया अंडर 23 में थाईलैंड का, सेकंड है ईरान और थर्ड है इंडिया। और आप इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी प्रतियोगिता होती है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही, ये तो एशियाई स्तर की थी ना। जी जी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चैंपियनशिप है। हाँ, कहाँ पर है? चाइना। चाइना, तो उसमें भी आप भाग लोगे? सिलेक्शन होगा तो इसका सिलेक्शन कमेटी होती क्या? इसका फिर से ट्रायल होगा। अच्छा अच्छा, इसका ट्रायल नेशनल लेवल पे फिर से ट्रायल होगा, जो ट्रायल अच्छा। तो थाईलैंड जाने में आपको क्या समस्याएं आई? यहाँ पे बुनियादी जो समस्याएं आपको आई थी उनका कैसे निराकरण हुआ? मुझे तो नहीं पता, बस मेरा निराकरण सर ने किया, जो किया हरीश सर ने बहुत सहयोग दिया। मुझे बोला कि तुम जाओ, बाकी हम सब देखा। ओके, धन्यवाद आपका, बधाई आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।